सबसे पहले आप सभी मेरे भाइयों को जय हिंद भाइयों। मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। ये वीडियो बिहार पुलिस मद निषेध बिहार एक्साइज कांस्टेबल के ऊपर वीडियो है। दोस्तों काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बिहार पुलिस मद निषेध की जो भर्ती आई है क्या उसकी बैच चालू होगी। ऑलरेडी 1 तारीख से दोस्तों 10 तारीख तक बिहार पुलिस मद निषेध का एडमिशन होगा। बच्चे भी आ रहे हैं और कमेंट थे कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कैमरामैन का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अभी एक मेरा स्टूडेंट है उसी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ दोस्तों कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, कब से तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी में दोस्तों फोकस आपको करना है, ठीक है। देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस फायरमैन या कोई और भर्ती होती ना तो मैं ये चीज़ नहीं बोलता जो अभी आपके लिए बोलने वाला हूँ, लेकिन बिहार पुलिस मद निषेध जो भर्ती है दोस्तों ये बहुत ही जल्दी एग्जाम भी लेती है और बहुत ही जल्दी दोस्तों इसका फिजिकल डेट भी क्लियर होता है और बहुत ही जल्दी दोस्तों इसका ज्वाइनिंग भी होता है। तो बहुत सारे बंदे ऐसे गलती करते हैं कि चलो मैं एग्जाम दे लूंगा, उसके बाद एग्जाम की मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। एग्जाम के रिजल्ट के बाद दोस्तों मात्र आपको 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपको 1600 मीटर रेस बिहार पुलिस मद निषेध में मांगी जाती है, जिसका दोस्तों आपका टाइमिंग 5 डाउन रहेगा तो अच्छा आपका मेरिट बनेगा। 5 फीट दोस्तों आप हाई जंप मारोगे तो अच्छा मेरिट बनेगा और गोला फेंकोगे दोस्तों आप पूरा का पूरा तो आपका बढ़िया मेरिट बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे 20 दिन में तो ये सब पॉसिबल है नहीं। अब क्या कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर मैं तो वहां 20 दिन में कर लेता हूं। भाई किसी किसी एक बंदे का मैं कभी भी लेके नहीं चलता, अब मैं अच्छा एक रेशियो लेके चलता हूं, 100% रेशियो बढ़िया आपका रहना चाहिए। अब मैं बताता हूं, मान लो कि 20 दिन में मेरे ही पास आए, मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी कि भाई इनका टाइमिंग कम है, हार्ड वर्कआउट दूंगा, एडवांस ट्रेनिंग दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, सीन पेन होगा, प्रॉब्लम होगा, एनर्जी होगा, सॉरी आपका इंजरी होगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी से आप तैयारी में लग जाओ। अगर आप बिहार पुलिस मद निषेध की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप अभी से ही फिजिकल के लिए लग जाओ, ठीक है। नॉर्मल वर्कआउट रखो, नॉर्मल रनिंग रखो दोस्तों। आप एग्जाम, आपको पता है मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं बहुत सारे बच्चे किस तरह एग्जाम निकालते हैं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है वीडियो देख रहे हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, मुझे भी पता है। मेन रहा दोस्तों आपका फिजिकल, तो फिजिकल में दोस्तों आप प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है। फिजिकल के लिए आप दोस्तों मेरे पास आना चाहते हो तो ये मेरा ग्राउंड है, आप ग्राउंड देख लो, ठीक है। आप ग्राउंड देख लो, बढ़िया एक शुद्ध वातावरण, यहाँ देख लो गंगा जी, गंगा के किनारे है, ठीक है। ये ग्राउंड है दोस्तों, गंगा किनारे है। आप दोस्तों शुद्ध वातावरण के साथ या फिजिकल की तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। हमारा जो दोस्तों हॉस्टल है, बढ़िया से एक बार ग्राउंड घूम के दिखा दीजिए, एक बार दोस्तों आप ग्राउंड घूम के देख लो कितना बढ़िया जो ग्राउंड है आपको, शुद्ध वातावरण आपको यहाँ पर मिलेगा, चारों तरफ हरियाली दोस्तों, बीच में आपका बालू का है, रेत गंगा जी है तो रेत भी आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, रेत में भी आप बढ़िया रनिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो दोस्तों हमारा हॉस्टल है, ग्राउंड से मात्र 300 से 400 मीटर पर हॉस्टल है दोस्तों, ठीक है। तो एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी हम दोस्तों 12-1 बजे दोपहर, जैसे अभी टाइम 12-1 बज रहा होगा तो मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए जिनका जो बच्चे अच्छे से रनिंग नहीं कर पा रहे उनको लेके आया हूँ, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर नॉर्मल अपना कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं अगर आप आना चाहते हो तो बक्सर स्टेशन, बक्सर आप देखेंगे दोस्तों बिहार में बक्सर डिस्ट्रिक्ट के मेन बक्सर स्टेशन पे उतर के दोस्तों स्टेशन पे और आपको जेल रोड पे आना है, ठीक है। जेल रोड पे हमारा एड्रेस है, आप कॉल करके दोस्तों आप आ जाना वहां पे, मैं आपको पिकअप करने आपको आ जाऊंगा। तो दोस्तों फिजिकल की आपको तैयारी कैसे करना है, पूरे हफ्ते आपको किस किस तरह दौड़ना है मैं आपको बता दूं। एक आप रूटीन बनाओ, ठीक है, एक रूटीन बनाओ कि जैसे मान लो कि मेरा स्टार्टिंग है, रनिंग मेरा स्टार्टिंग छोड़ दिया मैंने, मानो मैंने रनिंग छोड़ दिया, अब मेरे को शुरू से करना है तो क्या करना है दोस्तों, एक हफ्ता तो आपको पहले लॉन्ग रनिंग पे ध्यान दोगा, स्लो, देखो ये एकदम स्लो, आप स्लो जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप स्लो स्लो रनिंग करो, यही स्लो, ज़्यादा चाल पे नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके पास बता दूं दोस्तों 2 से 2.5 महीने आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्लो स्लो 1 वीक रनिंग करना है, उसके बाद सिर्फ लंबा, जितना लंबा कर सको, जितना लंबा कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा बीच में स्ट्राइड लगाना, स्प्रिंट लगाना, ठीक है। आप 5 किलोमीटर कर लो, 7 किलोमीटर कर लो, 2 किलोमीटर कर लो, 1 मीटर कर लो, कि स्लो करना और लॉन्ग रनिंग पे करना। उसके बाद दोस्तों आप एक नया वर्कआउट प्लान, ठीक है, ये करने के बाद एक नया में एक 1600 मीटर का मतलब 1 वीक का, 1 सप्ताह कैसे कैसे दौड़ना पूरा वीडियो बनाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पहला आप गलती क्या करोगे कि रनिंग करोगे उसके बाद दोस्तों हाई जंप करोगे, हाई जंप की तैयारी शुरुआत से मत करना, मैं बोल रहा हूँ कि हाई जंप की तैयारी शुरुआत से मत करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हाई जंप में एक टेक्निक का चीज़ है, आप करोगे गधा वाला मेहनत, ठीक है, आप पूरा जबरदस्ती जंप करोगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, घुटना में इंजरी होगा, ठीक है। क्योंकि भाई जोर जब आप जंप कर रहे हो, नॉर्मल आप जंप कर रहे हो तो यहाँ पर घुटना पर प्रेशर पड़ रहा है, आपको पिंडलियों पर प्रेशर पड़ रहा है, इस तरह का दोस्तों आपका प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंजरी होगा। अब हाई जंप में इंजरी हो गया तो दोस्तों रनिंग आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना मेरे भाई कि आप एक बार आप मतलब हाई जंप
को इग्नोर करना, ठीक है, दूर ही छोड़ना। पहले आपका नॉर्मल आप रनिंग बना लेना, 5:30 या 5:40 का या 5:20 का दौड़ बना लेना, उसके बाद दोस्तों हाई जंप पे सटना, ठीक है। अब मैं बता दूं, अब यही नहीं कि आप 5:30 के चक्कर में हाई जंप छू ही नहीं रहे हो। अगर आपका दोस्तों मतलब एक महीना भी बचा है, एक महीना भी अगर आपके पास फिजिकल में टाइम है, आप अपने हाई जंप को दे दिया, तो एक टेक्निक के साथ आप बढ़िया हाई जंप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको पता भी होगा, मैंने करके भी दिखाया है, 4:48 तक मैंने करके दिखाया हुआ है दोस्तों, आपको यूट्यूब पे आप चेक कर लेना, ठीक है, मेरा हाई जंप का टेक्निक 4:48 तक मैंने हाई जंप करके दिखाया हुआ है, ठीक है, अपने गद्दे पे अपने बच्चों के साथ सामने, ठीक है। तो दोस्तों एक टेक्निक रहेगा तो हाई जंप कर सकते हो। गोला का जो सीन है, 80% गोला जो फेंक देते हैं शॉर्ट पुट, 80% बच्चे गोला फेंक देते हैं, 20% जो बच्चे गोला नहीं फेंकते उनका क्या होता है कि थोड़ा वीक होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं, या तो उनके हाथों में पावर नहीं होता है, ठीक है। जैसे गोला फेंकने के लिए, शॉर्ट पुट के लिए सबसे ज्यादा तरीका क्या होना चाहिए, फुल बॉडी का एफर्ट लगना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, नहीं हाथ से उठाएंगे फेंक देंगे, इनका भी एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है, ठीक है। आप बढ़िया जो खिलाड़ी होता है शॉर्ट पुट की तैयारी, उनसे एक बार अगर अगल बगल आपका होगा तो बात करना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे खिलाड़ियों ग्रुप में जुड़ा हूँ जो कि इंटरनेशनल नेशनल खेले हुए हैं, वो उनसे मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट पुट तो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन डिस्कस करके मैं अपना कर देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। उसमें क्या है कि टो से प्रेशर लगता है, पंजे से प्रेशर लगता है शॉर्ट पुट में, और पूरा बॉडी का फुल प्रेशर जाता है गोला फेंकने में, ठीक है। सिर्फ हाथ से नहीं जाता, हाथ से सिर्फ आप बॉल फेंक सकते हो, शॉर्ट पुट नहीं फेंक सकते हो, ठीक है। तो एक वीडियो था, मकसद था दोस्तों कि आपको अगर आना है तो आप आ सकते हो हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में, ठीक है। आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं, अगर मेरे बताए हुए तरीके से मेरे हिसाब से अगर आप करते हो तो। आते आना चाहते हो तो नीचे नंबर आपको दिया होगा दोस्तों, आप आ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।